अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये कौमी असम्बली है। आज आइनी तरमीम पेश की जानी थी, आइन तरमीम करने के लिए, और आप ये मनाजर देख सकते हैं। इजलास कल तक मुलतवी हो गया है, कल 12 बजे इजलास बुलाया जाएगा। ये महसूस हो रहा है कि अब आइनी तरमीम नहीं होगी। क्या मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं, नहीं मान गए? तहरीक इंसाफ के MNA से आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। शाहिद अटक साहब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी इजलास खत्म हुआ है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये देखें जी, शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? चेहरे पे खुशी है, खुश दिखाई दे रहे हैं। बाजार तो यही लग रहा है कि तरमीम नहीं होंगी। ठीक है, कैसे ये महसूस हुआ कि तरमीम नहीं होगी? ये भी मौलाना साहब शायद खुद भी अनाउंस कर दें, तो आज इन्होंने असेंबली एडजर्न कर दिया है, और कल के लिए भी जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया है तो उसका भी हमें पता है कि किस लिए बुलाया है। तो यही लग रही है बज़ाहिर के तरमीम के लिए इनके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। नहीं, कल से जाया जा रहा था मौलाना फजल रहमान के घर, कभी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, कभी बिलावल, कभी नून लीगी रहनुमा जा रहे हैं। क्या माने नहीं वो, या क्या हुआ क्या? नहीं जी, देखिए आपने वजीर कानून की स्टेटमेंट देखी कि जी मसौदा मुझे मिल गया है। मिलने का क्या मतलब है, कहाँ से आया है? मुझसे नकवी नहीं दिया है, किसी और ने दिया है। ठीक है, हाँ। तो आइनी तरमीम नहीं होने जा रही? नहीं, आइनी तरमीम नहीं होगी। अब प्रोग्राम उड़ गया है। प्रोग्राम उड़ गया, ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं ये, जो फिर अगर आइनी तरमीम नहीं होगी उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्योंकि काजी साहब चले जाएंगे तो क्या होगा? जी देखिये, एक तो ये कि ये ईवान पूरा नहीं है, सेनेट जो है इसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मौजूद नहीं है, तो इस टाइम ये दोनों ईवान जो है ये इनकम्प्लीट है, और ये गैर कानूनी तौर पे ये तरामीम करने जा रहे थे। जब आपका ईवान नहीं पूरा तो आप किस चीज की तरामीम करने जा रहे हैं? तो मौलाना साहब ने जो है अभी वो अनाउंस भी शायद कर दें, लेकिन जो हमें इंटरनली पता चला है कि उन्होंने हर किसी भी किस्म की एक्सटेंशन की मुखालिफत कर दी, और ये तरामीम इसमें जो मुसविदा अभी तो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन हमें जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है इसमें ये एक को चेंज कर रहे हैं, जो वकील मुझसे बेहतर बता सकते हैं। ये बुनियादी हकूक है, और ये इतनी खतरनाक चीज, अगर इन्होंने वो चेंज की तो पाकिस्तानियों को बुनियादी वो जो है हकूक वो हासिल नहीं होंगे। और इसके अलावा ये जो इनका जो प्लान था कि ये थोड़ी बहुत चीजें जो है ये भी उनके हवाले कर दें। सर अगर ये खुली जगह होता है। जी जी, ये देखें जी, ये मनाजर है इस टाइम कौमी असम्बली। अच्छा सर, ये बताइएगा हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों थी? जी रात की तारीखी में इन्होंने कोई वारदात डालनी थी और नाकाम हो गए बुरी तरह। रात की तारीखी में कौन कानून साजी करता है? ना कौम को पता है, ना पोजीशन को पता है, ना हुकूमत को पता है, और सबसे बढ़ के वजीर कानून को खुद नहीं पता, फिर ये किसको पता है? इससे पहले 9 अप्रैल की रात भी 12 बज चुके थे, यही मंजर था, तो आज फिर वही एक हिस्ट्री रिपीट की जा रही थी, लेकिन आज कामयाब नहीं हो सके। जी देखिए, इन्होंने ये हमेशा से वारदात डालते हैं, इन्होंने वारदात डाली और इनको मुंह की खानी पड़ी, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर कोई चीज आप कौम के मफाद में करते हैं या कौम आप पाकिस्तानियों के लिए करते तो उसको पब्लिक करते, मीडिया के साथ शेयर करते, अपोजिशन के साथ शेयर करते, हुकूमती मेंबरान के साथ शेयर करते, उसके ऊपर डिबेट होती, कमेटी में जाती। अगर वो कोई बेहतरी की चीज होती तो अपोजिशन उन चीजों में सपोर्ट करती, लेकिन उनको खुद नहीं पता, जिस मुल्क के वजीर कानून को ना पता हो कि मसौदा जी मिल गया, कहाँ से प्रिंट होके आया, किसने दिया, उसको भी शायद तमा दिया गया हो। अगर मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं था वो उसकी ड्यूटी जो लगी हुई है कहाँ से? वो वहाँ से गेट नंबर 4 से। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अनुसारी में कामयाब हो सकती है कि अभी उनको इसी तरह खफी का सामना करना पड़ेगा? जी देखिए, वो कभी भी कामयाब ना होते, लेकिन मौका किसने दिया? हमारे इस चीफ जस्टिस ने, जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का हम इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट के बाद जब हमने इस चीफ जस्टिस ने जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का हम इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट के बाद जब हम अपनी चॉइस के पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे SIC में गए कि जी आप सुनी तहत कौंसल नहीं ज्वाइन कर सकते। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि जी आप PTI में है, 38-39 PTI में, 41 इंडिपेंडेंट और 10 किसी और तरह के इंडिपेंडेंट। जो हमें तो इमरान खान के निशान के ऊपर वो कि हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमें इमरान खान
के नाम पे लोगों ने वोट दिया था, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया था, हमें इस ईवान में भेजा था, और अब हमारे इस टाइम भी 4 से 5 अराकीन कौमी असम्बली अगवा हैं, वो इस टाइम भी उनका पता नहीं चल रहा। तो उस वाले स्पीकर ने किरदार अदा किया या कि आपने उनसे बात की कि हमारे बंदों को बाजियाब करवाए, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो जारी करवाए, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं करवा रहे जी? वो थे किधर, उनका पता था आपको? आप जाते उनके चैम्बर में, आप देखते कि स्पीकर मौजूद है। देखिए, मैं ईवान के अंदर आज खड़ा था, मैंने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान से पूछा, जानने की कोशिश की कि जी इस मुसविदे में क्या है, आप क्यों रात की तारीखी में वारदात डालना चाह रहे हैं, बता दें। उनको भी नहीं था पता, वो भी हंस रहे थे कि पता नहीं लाए हम इधर बैठे हुए हैं जी, जो होगा ये आइस बोलेंगे और पता नहीं कि क्या पास करेंगे। मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत बढ़ गई है या मजीद अभी कमी है? जी देखिए, हर के गुलाब बन गया है। के हवाले से आपने ट्वीट किया था, आपका मतलब अभी तक वही के वही है या चेंज हुआ है? नहीं जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इमरान खान के साथ अहद वफा जो है वो निभाने का वादा भी किया है, और वो डट के खड़े वजी अला साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। उनके जिस छोटे मोटे तहफात थे, इनशाला हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनकी दूर हो, और उन्होंने बगैर किसी शर्त के हमारे साथ बातचीत।